हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो यहाँ पे इक्वेशंस है, जो हमें इक्वेशंस यहाँ पे दिया गया है, उसको हम कैसे बैलेंस करें, तो उसको आज हम बहुत ही आसान वे से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है Fe2O3 प्लस Al, मतलब कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है आयरन ऑक्साइड प्लस में क्या दिया गया है, एलुमिनियम दिया गया है। और उसके बाद जो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, इसका हो रहा फॉर्मेशन Fe का, मतलब आयरन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिए गए हैं, इसको हम किस प्रकार से बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे Fe2 है, मतलब कि यहाँ पे जो आयरन है वो कितना है, 2 है। तो अगर यहाँ पे आयरन 2 है, क्या यहाँ पे आयरन 2 है? नहीं, यहाँ पे आयरन कितना है, तो आयरन यहाँ पे 1 है कि नहीं। हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे Fe2 दिया है। तो Fe2 का मतलब क्या हो गया कि जो आयरन है वो कितना है, 2 है। तो आयरन अगर 2 इस साइड में, तो आयरन 2 क्या होना चाहिए, इस साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे, तो आयरन यहाँ पे 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आयरन को 2 लगा दिया। अब बारी किसकी है, ये ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया गया है, O3। O3 का मतलब क्या हो गया कि जो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 3 है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ये इक्वल है, तो इसे हम अब नहीं छुएंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। क्या आता है, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना एल्युमिनियम, 1 है। देखिए, अगर कोई भी, अगर मेटल हो या नॉन मेटल हो, कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर वो क्या दिया है, सिंगल दिया है, और उसके सामने क्या है, कुछ भी ना हो, ना 2 लगा हो, ना 3 लगा हो, ना 4, अगर कुछ भी ना लगाओ, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो कैल्शियम कितना है, सिर्फ एक ही कैल्शियम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एल्युमिनियम कितना है, तो एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पे एल्युमिनियम ओनली 1 है। लेकिन हमें क्या, अगर यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है और इस साइड देखें तो कितना है, तो इस साइड जो एल्युमिनियम कितना है, वो 2 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है Al2। Al2 का मतलब क्या हो गया, जो एल्युमिनियम वो कितना है, वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये केमिकल इक्वेशन है, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक ना। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि NaOH, मतलब इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे दिया गया है। प्लस में क्या दिया गया है, H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड है। और इससे जो फॉर्मेशन क्या हो रहा है, Na2SO4, मतलब अगर हम बात करें तो Na2SO4 को हम क्या बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। प्लस में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन H2O का, मतलब वाटर का। तो अब यहाँ पे जो हमें केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं, इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। मतलब अगर ये इस साइड बैलेंस है, तो इस साइड में हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ, तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करें, तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे Na है, मतलब सोडियम कितना है, सोडियम तो 1 है। और इस साइड कितना सोडियम है, तो इस साइड हमें दिख रहा है, ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या आप, Na2 है, मतलब जो सोडियम कितना है, सोडियम 2 है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, सोडियम को 2 कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये बैलेंस्ड है ना। अब यहाँ पे जो सोडियम मेटल है वो क्या है, बैलेंस्ड है। इस साइड भी 2 है और इस साइड भी 2 है। यहाँ पे Na2 है, मतलब यहाँ पे जो सोडियम कितना है, वो 2 है। और यहाँ पे 2Na का मतलब क्या हो गया, कि जो सोडियम है वो क्या है, 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें O देखना है। तो O क्या है, O भी क्या है, 2 है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे Na कितना है, सोडियम भी 2 है, और 2 ऑक्सीजन भी है, और 2 क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है, और इस साइड कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो 4 और 2 मिला कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब इस साइड क्या है, पूरा ऑक्सीजन 6 है कि नहीं। तो इस साइड मिला के जो ऑक्सीजन कितना है, पूरा 6 है। तो इस साइड भी 6 ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या है ये ऑक्सीजन 6, देखिए कैसे, यहाँ पे जो हमारा O है, तो O कितना है, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 है। तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें, अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ये है और 2 ऑक्सीजन इधर है। तो 4 2 6 6 हो जाएगा ना। तो मतलब 6 ऑक्सीजन इस साइड भी है और 6 ऑक्सीजन इस साइड भी है। अब हम देखिए इसका मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2H2O दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2H2O। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2H2 मतलब क्या हो जाए, H4, मतलब हाइड्रोजन कितना है, 4 है। 4 कहाँ से आया है, तो 4 आया है, 2 2 4, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। अब यहाँ पे 2 का गुणा क्या होगा, O में भी होगा, मतलब जो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। अब हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं बैलेंस्ड है। तो अगर बात करें कि यहाँ पे 2Na है और यहाँ भी क्या है, 2Na है, तो Na बैलेंस्ड है। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इस साइड
और चार ऑक्सीजन इस साइड, तो दो चार छः, छः ऑक्सीजन इस साइड हो गया पूरा मिला के, तो छः ऑक्सीजन क्या हो गया लेफ्ट साइड में हो गया, छः ऑक्सीजन क्या इस साइड छः ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन ही देखिए दिया है ना, ओ फोर मतलब चार ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है दो ऑक्सीजन, तो चार दो छः, तो छः ऑक्सीजन इस साइड भी है और छः ऑक्सीजन इस साइड भी है, मतलब ये क्या है बैलेंस्ड है। अब देखते हैं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है वो चार है, कैसे यहाँ पे देखिए दो क्या है हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ देखिए आप दो क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है दो, तो हाइड्रोजन दो और ये भी हाइड्रोजन दो, दो दो चार, तो इस साइड क्या है चार हाइड्रोजन है, इस साइड क्या है देखिए यहाँ पे जो टू दिया है ना ये क्या हो जाएगा, तो इस साइड भी क्या है चार हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दो दोनी चार, यहाँ पे जो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे चार हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा केमिकल इक्वेशन दिया गया है वो क्या है बैलेंस्ड हो गया है।